पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी घमासान फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का गुस्सा नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर पर फूट पड़ा है। दरअसल सिद्धू और कैप्टन के बीच की कलह को खत्म करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी आला कमान सोनिया गांधी, यहां तक कि खुद हरीश रावत ने भी काफ़ी कोशिशें की, लेकिन फिर भी स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती नजर आ रही है। ना तो सिद्धू अपने गुस्से पर लगाम कस पा रहे हैं और ना ही कैप्टन। सिद्धू और कैप्टन के झगड़े का असर पार्टी पर दिखता नजर आ रहा है, यहां तक कि इसका फर्क पंजाब चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हालांकि रावत पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान को शांत करवाने के लिए कैप्टन और सिद्धू दोनों के संपर्क में है, लेकिन सिद्धू को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सिद्धू कैप्टन या फिर अन्य किसी बड़े नेता की बात को नहीं मान रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या रावत का गुस्सा सिद्धू और कैप्टन पर जिस तरह फूटा है उसके बाद सिद्धू और कैप्टन की स्थिति सुधरेगी या नहीं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।